शासन से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार जिला अस्पताल के एसआईसी डॉक्टर ए के सिंह ने शुक्रवार को इमरजेंसी ओपीडी में के ठीक सामने बने वार्ड में सांस के मरीजों को नॉर्मल आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराने का फैसला लिया गया। एसएससी डॉक्टर ए के सिंह की देखरेख में वार्ड के मरीजों को भर्ती करने के लिए पूरी व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। इस संबंध में एसआईसी डॉक्टर ए के सिंह ने बताया कि पहले जो मरीज सस्पेक्टेड होते थे उन्हें आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया जाता था, साथ ही 24 घंटे उनकी देखरेख करना हमारे लिए सर्वोपरि होता था। अब डॉक्टरों की टीम द्वारा बनाए गए निर्णय के बाद शासन द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार जितने भी सांस के मरीज आएंगे, सांस फूलने की बीमारी से चाहे नए मरीज हों या पुराने मरीज हों, उनको इस नॉर्मल आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। साथ ही साथ दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है कि पूरे ज़िले में कम से कम 25 सैंपल हर रोज़ हमें भेजना है। इसके लिए ओपीडी में जो भी मरीज आ रहे हैं उनकी नॉर्मल सैंपलिंग हमारे द्वारा भेजी जाएगी, जिससे कोरोना से जुड़ी कोई भी मरीज समाज में घूमने ना पाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए एसआईसी डॉक्टर ए के सिंह ने कहा, तो ये आवश्यक रूप से लिखकर करना चाहिए, तभी वो करना चाहिए। क्या है? हाँ है इसको ऊपर जो मरीज को ऊपर लगा क्या होगा, तो अच्छी जगह लगाई क्या और सामान हो सकता है अपने ड्यूटी रूम में लगाइए या वहाँ लगाइए, क्या आप लोग बता रहे हैं कि बाहर घूम कर रखिए सर हमेशा बिजी होना। हाँ, रिसेंट ये है जैसा कि पहले था कि हमें जो सस्पेक्ट होता था, जिस पर शंका होती थी, जो संशय की स्थिति में जो मरीज रहता था, उन मरीजों को हम भर्ती करते थे आइसोलेशन वार्ड में या उनका केयर करना हम लोगों के लिए 24/7 कंपलसरी होता था। अब शासन ने कर दिया वहाँ डॉक्टरों की टीम बैठने के बाद में कि जितने भी सांस के मरीज आएंगे, सांस फूलते हुए चाहे नए मरीज हों या पुराने मरीज हों, उनको एक नॉर्मल आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा और उनकी सैंपलिंग की जाएगी और सैंपल कर करके जब रिपोर्ट आ जाएगा उसके बाद भी उनका ट्रीटमेंट करके और नॉर्मल मरीजों से उनको अलग ट्रीटमेंट दिया जाएगा, अलग रखा जाएगा। और दूसरी चीज़ ये हुई है कि पूरे ज़िले में कम से कम 25 सैंपल रोज़ाना हम लोगों को भेजना है, यानी ओपीडी में भी मरीज देख रहे हैं तो उसमें बुखार या खांसी के जो भी मरीज आ रहा है उसको नॉर्मल सैंपलिंग करानी है, जिससे कि उन मरीजों उन लोगों में जिनमें सिम्टम्स नहीं हैं वो लोग भी हमें ट्रेस हो सकें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कैरियर बन करके समाज में घूम रहे हैं, उसको चेक करने के लिए डिटेक्ट करने के लिए ये नई चीज़ शुरू की गई है जो कि आवश्यक सेवा के रूप में दी जाएगी। क्वारंटाइन वार्ड तो अब शिफ्ट हो गया है, 100 बेडेड हॉस्पिटल जो नंदा नगर में है टीबी हॉस्पिटल उसमें बना दिया गया है, वहाँ एसिम्टोमेटिक मरीज रहेंगे और जब भी पॉजिटिव आ जाते हैं सैंपलिंग के बाद में तो वहाँ से चरकावा जो सीएससी वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा और उसमें सिम्टम्स आते हैं तो वो सिम्टम्स आने के बाद में वो मंडल की पूल करके महाराजगंज भेजा जाएगा और उसके बाद वहाँ जब भर जाता है तो उस स्थिति में जिला अस्पताल को खोला जाएगा। एक साथ हम लोग सारे संसाधन को एग्जॉस्ट नहीं करेंगे।